जीशु प्रभु जीशु कृष्ण ठार मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्त केमती अच्छा भल रु आसन आम मैंने शुणा माते सुसमाचार अध्याय अठर पद संख्या दस रु चौदह जाए हजि जा मेषर दृष्टांत देख यही क्षुद्र मानू कह घृणा कर ना कारण मु तुम मानक कहे स्वर्ग से एम दूत मैंने सर्वदा मोर स्वर्गस्थ पिता मुख दर्शन करती जहाँ हजि जाइए उद्धार करें मत मनुष्य पुत्र आसी तुम्हें कौन भाव जो लोकर जदि शहेटी मेढा थाए और से गोटे हजि जाए तेरे कौन से अनेशपद मेढा को पर्वत छाड़ दे से हजि जा मेढाटी को जीवाक जीव ना कि से जदि पाए तबे मु तुम मानक सत्य कहे हजि नथिबा अनेशपद मेढा अपेक्षा से मेढा पाए से अधिक आनंदित हेब तेणु तुम स्वर्गस्थ पिता इच्छा यह नुहे जे क्षुद्र मानक मध्य जड़े सुधा विनिष्ट हूँ मोर भाई भौणी माने बारंबार मोर मन को आम परिवार रे साही रे मंडली रे सत्ते भल ना आमे भावुवा ईश्वर दृष्टि कौन आमको जना ना मो दृष्टि मु देख लागर कथबार्ता से भल ना व्यवहार से भल ना मोर आखिर मु देख ला बेले किए जाने सदा प्रभु कोई पूरा पूरी अलग आईडिया थी है सेमतीकर व्यक्ति मानू छाड़ केत थे मुझे सांगे नाटा कष्ट पर जवा बेले मोर स्वामी एमती जे आची हवाक जाऊना छाड़े ना मोर स्त्री एमती तीन चार पाने भितर जड़े एकदम बेकार कोई कि लाभ ना एमती कह कि छाड़े आओ सेमानंगर विषय आद चिंता करा गोटे प्रलोभन यहाँ आपण मानर अच्छी मोर भी अच्छी आज सदा प्रभु आंभ मान को कौन कहती मात्यु अठर पद संख्या बार रु शुणा तुम्हें मैंने कौन भावु जड़े लोकर जदि शहटी मेढा थाए से गोटे हजि जाए तेबे कौन से अनेशपद मेढा को पर्वत छाड़ दे से हजि जा मेढाटी को खोजाक जीव ना आम जानू यटा निश्चय आम जीव विशेष जीव मान बेस मेढा ना छेली सब से गुड़िक सब अच्छी देखते विशेषकर जीशु तर श्रद्धा मान को देखिकी साधारण से मैंने बुझी गोटे भाषा स्पष्ट भाव से कौन खेल आपने निश्चय हजि जा मेढा पाए अन्न गुड़िक छाड़ी निश्चय से मैंने जीवे तेमती हम दर्क कहीं परिशेष स्वर्ग मन कर बर्तमान स्वामी स्त्री चारजण पा मन कर से पाने भितर जनकर गिरजापत्र ना प्रार्थना ना कि ना तेणुक आम शांति छाड़ देशेष जो व्यक्ति जाणीशुणी प्रभु को मत दरकार ना बोली कह व्यक्ति मैंने स्वर्ग से पहुँचे डाउट अच्छे बुझे कि आम कहा विचार करने आमर अधिकार ना कि जाणीशुणी मत जीशु को दरकार ना जीशु आनी परित्राण मत दरकार ना बोली कह व्यक्ति मान को जीशु बाध्यतामूलक स्वर्ग को ने मोर डाउट अच्छे अन्य प्रकार अवश्य आम तो दुर्बल बलहीन पापी मनुष्य आग्रह अच्छे कि पार ना से भिन्न कथ मन कर आम पर सेमतीकार जड़े अच्छे आम पुओ जड़े हेले आम माँ बापा अन्य तीन जन पाने स्वर्ग से आउ जड़े नवस्था केमती हम से दुख लगे ना तेणुकर प्रभु निजे कौन मात्यु अठर पद संख्या चौदह तेणु
ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର ଘର ଭିତରେ ବା ସାହିରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଅଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆବେ କାଇନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ, ତୁମର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ। ଆଜି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅ, ତୁମର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ, ତୁମର ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ, ତୁମର ବାପା କୁଆଡ଼େ, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ଯାଜକ ରୂପେ ମୋର ଅଛି। ୟେସ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାଧାରଣ ମୁଁ କହେ କେବେ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଗୀର୍ଜାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ, ମନେ ମନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହିକି ନେବା ଦରକାର। ମାର୍କସ ସମାଚାରରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼େ ସେମାନେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେତେଜଣ ବହିକି ନେଲେ ନା, ମାର୍କସ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1ରେ କେତେଦିନ ପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କଫର୍ନମକୁ ଫେରିଲେ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେଠାରେ ଏତେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଯେ ଘରେ ଆଦୌ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ 3, କେତେ ଲୋକ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ 4 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବୁହାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଲୋକ ବିଡ଼ ହେତୁ ସେମାନେ ସେହି ରୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେହି ଘରର ଛାତ ଖୋଲି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତା କୋଟିଆ ସହ ତଳକୁ ଉଲ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ଏମିତିକା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀମାନେ, ମାନେ କ'ଣ, ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆଣିବା, କେମିତି ଆଣିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ସେଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୀର୍ଜାକୁ ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ବସିବା ସମୟରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ମନରେ ଆଣିବା ଦରକାର। ୟେସ୍, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମିତିକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମାଳ ଚୋପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ସେମିତିକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତିକା ଜଣେ ପୁଅ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକା। ପୁଅ ବୁଦ୍ଧି ରାକ୍ଷସ, ଏକଦମ ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ, ବଦମାସ ନମ୍ବର 1। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜପ ତପ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସରେ। କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ପରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରାପୁରି ଯୀଶୁଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାଜକ ହେଲେ, ବିଶପ ହେଲେ, ସାଧୁ ଅଗଷ୍ଟିନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସତି ମୌନିକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ହଜିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ସଦା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ପରିବାର ଭିତରେ ହେଉ, ସାହି ଭିତରେ ହେଉ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଅଛି। ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଚାରିବେ, ତୁମର ଭାଇ କୁଆଡ଼େ, ତୁମର ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ, ତୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ, ତୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ, କିଏ ଆମକୁ ପଚାରିବେ? ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଏ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ପାଉଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 28 ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରିଥିବା ସବୁ ନିର୍ଯାତନାର ଲମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବାକି 28ରେ
ए समस्त व्यतीत मंडली समूह रे ए समस्त व्यतीत मंडली समूह रो चिंता भार मोर मो उपरे प्रतिदिन चाप प्रयोग करुचि केहि जदि दुर्बल मु कोन सेई दुर्बलता अनुभव करुना केहि पथभ्रष्ट हेले मु कोन क्षुतित हुए नाहि माने अन्यमानंग पाय प्रभु निकट को आसी नथिबा लोक मानंग पाय प्रभु वाक्य शुणुनथिबा लोक मानंग पाय मे व्यस्त हेब दुर्बल मोर भाई भौणी माने मोर क्रिश्चियन भाई भौणी माने निजर खाद्य निजर वस्त्र निजर चाकरी निजर पाठ पढ़ा से रही सदा प्रभु आपण मानक जन क्रिश्चियन हाबापाई डाकी नहांती जन जाचक रूपे मुझे ठिया हेला बेले मुझ कौन खाइबी मुझ कौन पिंधि मुझे खाइबी पीबी शोबी से जन फादर हिसाब से जन जाचक हिसाब से सदा प्रभु मत डाकी नहांती ऊपर पहुँचला बेले आवरी जत जन बहुत लोक मान संगे सारा पृथ्वी संगे आम स्वर्ग में पहुँचवा दरकार तापाई आज दिन सदा प्रभु आपण मान को दे अच्छा सकाल संध्या पर्यंत काम करी तीन ओली खाई आराम रे संध्या समय शोवा पाई नुह यह आम भल मन रखा तेणुक सदा प्रभु आंभ मान को कहती मोर एक क्षुत्र तम मान भितर जड़े भी हजी हर ताहा चाहे नहीं देखो एक क्षुद्र मान मध्य कहारी को घृणा कर यस तेणु मु तुमर स्वर्गस्थ पिता इच्छा यह नुहे तुमर स्वर्गस्थ पिता इच्छा यह नुहे जे ए क्षुद्र मान मध्य जड़े सुधा विनिष्ट हूँ मन रख प्रार्थना करीशु प्रभु समय थिला मोर 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 बोली कहते देखुची प्रभु तुमको जानला परे मते तुमको छाड़ी की रहतिबा तुमरे परजन तुमको चिन्ह नथि बहुत लोक माने अछन्ति प्रभु सेवान को मते आनंद प्रभु मछि बनी सेमान का पाक गुजी बापा आए तुमर साक्ष्य दबा पाए तुमर वाक्य दबा पाए एही धन्य मुहूर्त रे मुश्चर्ग करे प्रभु तुमे मते देतिबा एही परिवार हो ए कर्मक्षेत्र हो जहाँ सब अच्छी एही दिगरे ताहा सद व्यवहार करिबा पाए मते आमको सहाय्य करो करुणाम हे प्रभु परमेश्वर ए धन्य मुहूर्त रे प्रार्थना रे जप तप रखिबा तुमर ए दास को तुमर ए दासी को आशीर्वाद करो प्रभु तुमर प्रेम जमति से अनुभव करो प्रभु अभाव रिबा आवरी बहुत लोक मान तुम निकट को आने बड़ दायित्व को दायित्व या को सहाय्य करो सर्वशक्ति मान परमेश्वर पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा समस्त को जय जीशु।